हेलो दोस्तों, ये मेरे पास एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये घरों के अंदर इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगाने के काम आती है। और ये केबल पाइप की तरह मतलब अंदर से खाली होती है। ये देखिए, ये बाहर लगती है और ये घर के अंदर, जैसे ये कब केबल आ जाती है तो उसके बाद ये यूज़ करते हैं। और ये अंदर से देखिए, ये खाली होती है। इसके अंदर मैंने एक ये वायर डाल रखी है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये बिल्कुल अंदर से खाली है, पाइप की तरह होती है ये। और ये फ्लेक्सिबल ग्लास की बनी होती है। ये जो है ना, ये फ्लेक्सिबल ग्लास है। इसके अंदर जो सिग्नल है वो लाइट के रूप में चलता है, जिसकी स्पीड 20 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आप हिसाब लगा लो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ये केबल अगर टूट जाए या इसको ज्वाइंट करना है इसे, तो इसको ज्वाइंट करने की मशीन 2.5 से 3 लाख रुपए की आती है। और दोस्तों, अगर ये वायर ऐसे मुड़ जाए तो इसके अंदर सिग्नल बंद हो जाएगा। तो जो ये केबल है, ये केबल तो सिर्फ ये ग्लास है इसके अंदर जहाँ पे सिग्नल जाएगा, बाकी जो है इसके अंदर ये इसकी सपोर्ट के लिए टूटने की, मतलब टूटे ना ये। और नाइलॉन का इसके अंदर एक धागा होता है, ये सभी इसकी सपोर्ट के लिए होता है। तो ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल का बटन दबा देना। ओके, थैंक यू।